संजय गांधी अस्पताल में जूडा की हड़ताल का असर, जान बचाने मरीज ले रहे छुट्टी। संजय गांधी अस्पताल में रेसिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन इस बात को सिरे से खारिज कर रहा है, लेकिन अस्पताल में भर्ती मरीजों की परेशानी और वार्डों में खाली हो चुके बिस्तर इस दावे को नकार रहे हैं कि अस्पताल में सब सामान्य है। रीवा मेडिकल कॉलेज और संजय गांधी अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टर और नर्सेज स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल का आज दूसरा दिन है। सभी जूनियर डॉक्टरों और नर्सेज की हड़ताल को देखते हुए प्रशासन ने इंतजाम तो किए हैं, लेकिन वह नाकाफी है। रीवा दर्शन की टीम ने जब अस्पताल का जायजा लिया तो वहाँ की स्थिति खासा गंभीर नजर आई। अस्पताल के मेडिसिन विभाग में जहाँ कभी पलंग नहीं मिलते थे, आज पूरा वार्ड ही सूना देखने को मिला। कुछ एक वार्डों में इक्का दुक्का मरीज ही पड़े मिले, जिन्होंने बताया कि सुबह एक बार डॉक्टर साहब आए थे, फिर कोई देखने नहीं आया। नर्सेज भी हड़ताल पर हैं, उनकी जगह पर नर्सेज स्टूडेंट की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन जब चिकित्सक ही नहीं है तो वो कौन सी दवाई दे दें या इंजेक्शन लगा दें। हम बताना चाहेंगे कि जूनियर डॉक्टर, जिन्हें रेसिडेंट डॉक्टर भी कहा जाता है, वे पूरी समय मौजूद रहते थे और वरिष्ठ चिकित्सकों के दिशा निर्देश में हर एक घंटे में मरीज की स्थिति पर नज़र रखते थे। लेकिन अब जब जूनियर डॉक्टर ही नहीं है तो मरीजों को कौन देखेगा। इन स्थितियों में मरीज अब संजय गांधी अस्पताल से बाहर ही अपना इलाज कराना बेहतर समझ रहे हैं और इसका फ़ायदा शहर के नर्सिंग होम संचालक उठा रहे हैं। अलबत्ता संजय गांधी अस्पताल के प्रबंधक ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि हड़ताल के चलते कहीं कोई अव्यवस्था है। डॉक्टर अतुल सिंह ने कहा कि सब व्यवस्थित है, हमारे पास पर्याप्त चिकित्सक हैं और मरीजों को पूर्ण उपचार मिल रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि नर्सेज हड़ताल भी बेअसर है, क्योंकि उनकी जगह पर हमने नर्सेज स्टूडेंट को बुला लिया है और मरीजों को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सेवाओं में तो कैसे कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा उसमें असर नहीं पड़ा। हमारे यहाँ जो नए नए असिस्टेंट प्रोफेसर आए हैं और डिमोन्स्ट्रेटर्स, इनको ड्यूटी लगा दी गई है, मरीजों की देखभाल में कोई भी अंतर नहीं आया। अगर अंतर आता तो कोई डेथ अपनी बढ़ जाती, तो डेथ में ऐसा कोई बड़ा नहीं हुई। बाहर से भी डॉक्टर बुलाए गए? बाहर से अभी फिलहाल नहीं बुलाए गए। नर्सेस की हड़ताल भी थी, उससे क्या? हाँ, नर्सेस की स्ट्राइक के लिए जो हमारी स्टूडेंट्स नर्सेस थी उनको लगा दिए गए, प्राइवेट कॉलेजेस की नर्सेस उनको लगा दिए गए, और गवर्नमेंट की नर्सेस तो ड्यूटी पे हैं, तो वो सुपरवाइज करती हैं और जो लड़कियां हैं सब काम कर रही हैं, उसका भी खास असर फिलहाल नहीं। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता अनिल त्रिपाठी के पास। जी अनिल, आज जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल का दूसरा दिन है, क्या हालात हैं अस्पताल के, मरीजों का क्या हाल है और अस्पताल प्रबंधन ने क्या समुचित व्यवस्था की है? जी शादाब, संजय गांधी अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों और नर्सेज की हड़ताल से मरीजों की परेशानियां निश्चित ही बढ़ चुकी हैं। हमने अभी सीएमओ से बात की तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन हमेशा जो मेडिसिन वार्ड भरा रहता है वो आज खाली दिख रहा है। नर्सेज जहाँ बैठती हैं वह भी खाली है, जूनियर डॉक्टर जहाँ बैठकर पर्ची लिखते हैं वह भी खाली है। ऐसे में मरीज के परिजन किसके पास अपना दर्द लेकर जाएंगे? इसका परिणाम यह हुआ है कि आधे से ज़्यादा मरीजों और उनके परिजनों ने अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल से छुट्टी ले ली है। मेडिसिन विभाग में 40% ही मरीज बचे हुए हैं, और हड़ताल यदि 2-3 दिन और चल गई तो मान के चलिए कि यहाँ परेशानियाँ और बढ़ जाएंगी। और मरीजों के साथ एक समस्या और भी आ गई है कि जो गरीब मरीज हैं वो तो केवल संजय गांधी अस्पताल के भरोसे ही रहेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा भी खर्च करने की स्थिति में है वो नर्सिंग होम की ओर अपना रुख कर रहे हैं। शुक्रिया अनिल हमसे जुड़ने के लिए। आइए नज़र डालते हैं दूसरी खबर पर।